हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं क्लास 10th की सीबीएसई। ठीक है, बेसिक का पेपर मैंने लिया है और यहाँ पर सीबीएसई वालों ने किस तरीके से मार्किंग स्कीम दी है आपकी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस मार्किंग स्कीम से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, इस चीज़ को आप देखना, ऑब्जर्व करना कि आपको पेपर को किस तरीके से करना है। किसी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, ये सीखोगे आप इसकी मार्किंग स्कीम से। ठीक है, तो स्किप तो आपको करना ही नहीं है, कुछ भी आप करके आओ। देखो यहाँ पर जो मार्क्स दिए हैं सीबीएसई ने, जो मार्किंग स्कीम बनाई है वो कितनी अच्छी तरीके से बनाई है। मतलब अगर आप पेपर में कुछ लिख कर आते हो तो उसका भी आपको सीबीएसई मार्क्स देगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो सैंपल पेपर है उनके सॉल्यूशंस है, है ना। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर हमारे निकाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिखाया था, ये सैंपल पेपर है सीबीएसई का, है ना। और ये देखिए, यहां पर आगे मैं सैंपल पेपर की भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। देखिए यहां पर सेक्शन ए है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0। इस क्वेश्चन का आंसर दिया है सीबीएसई ने इस तरीके से, ठीक है, और यही आंसर होगा, सिंपल सी बात है। अब यहां पर जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आपको यहां तक फर्स्ट लाइन आपने नोट करी, ये तो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में आपने इसे फैक्टराइज करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने लगाई है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसको फैक्टर किया। ठीक है, सेकंड लाइन लिखते ही आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ये सीबीएसई ने दिया है। क्लियर? मतलब आप 3x² - 7x - 6 = 0, जैसे ही आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो, जैसे ही आपने 3x² - 9x + 2x - 6 = 0 में इसे फैक्टराइज किया, तो आपको हाफ मार्क्स मिल गया। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, यहां पर आप जब पेयर्स बनाओगे इन दोनों के, जैसे कि आपने पेयर्स बनाए, 3x कॉमन लिया एंड x - 3 + यहां पर 2 कॉमन लिया, x - 3 = 0, देन आपने 3x + 2 लिखा और x - 3 = 0। देखो यहां तक आपका लिखते ही आपको कितने मार्क्स मिले, फिर हाफ मार्क्स मिल गए। टोटल जो ये क्वेश्चन है ये 2 मार्क का है। ठीक है, मतलब आप फैक्टर करते ही आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है, फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस करते ही आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है। अब यहां पर देखना, ध्यान करने वाली बात कि जैसे ही आपको रूट निकालने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपसे रूट पूछा गया है। ठीक है, अब जो पूछा गया है ना वो इंपॉर्टेंट है यहां पर। देखिए यहां पर बस सिर्फ एक लाइन लिखने के आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, यही आंसर पूछा गया है सीबीएसई की तरफ से। रूट्स पूछ रहा है तो आपको 1 मार्क्स मिल रहा है इतना सा लिखने पर। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप क्वेश्चन को ओनली यहां तक करके आते हो और आप उसकी रूट्स नहीं लिख के आते हो, ओनली फैक्टर्स ही करके आते हो, गलती से आपने अगर रूट नहीं लिखे तो आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, ओनली हाफ और हाफ प्लस 1 मार्क मिलेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसलिए ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ऑब्जर्व करो इसकी मार्किंग स्कीम को कि किस तरीके से सीबीएसई आपको मार्क्स देगा। क्लियर? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी को रूट्स निकालना नहीं आता है, वो यहां तक ही निकाल बैठा, तो उसको हाफ मार्क्स जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देगा, बिल्कुल देगा आपको मार्क्स। ठीक है, तो इसकी मार्किंग स्कीम को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा और हर एक क्वेश्चन की मैं मार्किंग स्कीम आपको बताने वाला हूं किस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम चलेगी। क्लियर है? चलिए, तो ये आपने डिस्कस कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए यहां पर आगे जो है इसका और वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर आपको ऑप्शंस दिया गया है। तो एक और क्वेश्चन है यहां पर, ये पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, तो आपको फाइंड करना है k की वैल्यू। चलिए इसका भी हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट निकाला है b² - 4ac = 0, ये कह रहा है अपने को। ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट रहेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो b² - 4ac = 0 ही होगा। तो यहां पर हमने जो प्रोसेस किया, यहां तक प्रोसेस करने का, k² = 36, देखिए यहां तक प्रोसेस करने का आपको सीबीएसई 1 मार्क दे रहा है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये और का पार्ट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, k² = 36। अब देखो बच्चे जो गलती करते हैं, उन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ा, तो वो क्या करेंगे, k² = 36, देन k की वैल्यू वो फाइंड करेंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, अंडर रूट 36 लिखेंगे और फिर k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू 6 आई। अब जिन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ा, आपको पता है स्क्वायर उधर जाके ट्रांसपोज होता है अंडर रूट में, लेकिन प्लस माइनस भी आता है, तो k की वैल्यू +6 निकलेगी और -6 निकलेगी। देखो कितना, मतलब आपको ध्यान रखना है यहां पर, k² = 36, देन k की वैल्यू जो निकलेगी +6 एंड -6 निकलेगी। तो आप समझ रहे हो, k की वैल्यू जो 6 निकली है और -6 निकली है, ये लिखने के आपको हाफ मार्क्स दे रहा है। अगर आप ओनली k की वैल्यू 6 लिख के आते हो तो आपको -6 का मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो k की वैल्यू 6 और -6, या तो k की वैल्यू 6 होगी और या -6 होगी, दोनों आपके निकलेंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 हो सकती है, या तो +6 हो सकती है या -6 हो सकती है, तो दोनों के आपको हाफ हाफ मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? तो टोटल हो गया हमारा 2 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, लेट एल बी द साइड ऑफ द क्यूब, ये वाला भी क्वेश्चन अपना उसका है एक तरह से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, तो इसको भी आप देख लो। यहां पर आपका L³ = 64, देन L निकाल रखा है 4 सेंटीमीटर, इसका आपको सीबीएसई ने हाफ मार्क्स दिया है। अगर आप इतना भी करके आते हो तो हाफ मार्क्स आपको मिलेगा। देन उसके बाद में देखिए, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला यूज किया है 2LB BH और LH। आपको इसके पैटर्न को समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए सीबीएसई ने, यहां पर हर फॉर्मूले का यूज हो रहा है। ठीक है, हिंट लिखी जा रही है, इनका सबका आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। अभी एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा, देखो वहां पर अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स रिड्यूस होगा, समझ लो 1 मार्क रिड्यूस होगा।
समझ रहे हो? तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अगर जहां पर फॉर्मूला पुट हो रहा है वहां पर फॉर्मूला तो आपको लगा नहीं है, जैसे कि यहां पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा है 2LBBH और LH, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये फॉर्मूला लगाकर एल बी और एच हमने पुट करा और उसके बाद में हमने पुट करके ये तो यहां पर देखो ये फॉर्मूला लिखने के ही आपको हाफ मार्क्स मिल रहे हैं, वेयर एल जो है बी और जो है एच जो है इसके हाफ मार्क्स, देन उसके बाद में आपने पुट करा इनमें और वैल्यूज जो आंसर आपने फाइंड किया उसका आपको एक मार्क मिल रहा है। तो टोटल कितना हो गया हमारा 2 मार्क्स, ठीक है। तो इसकी मार्किंग स्कीम को आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे भी हम समझते हैं इनकी मार्किंग स्कीम को किस तरीके से इन्होंने क्या किया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मार्किंग स्कीम बनाई है और आपके लिए बेनिफिशियल है ये सब चीज़ें, कि आप अगर थोड़ा सा भी लिखकर आ रहे हो तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। और स्किप तो आपको करना ही नहीं है, आप इस जो मार्किंग स्कीम से आप यही ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं हमें स्किप नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को करके आना है, अटेम्प्ट करना है, ये बात ध्यान रखना है ना। दो मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो यार कम से कम हाफ मार्क्स भी आपको मिल रहा है तो वो तो बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रन स्कोर्ड फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका स्टेट्स का क्वेश्चन आ गया स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने अगर टेबल बनाई है, सीएफ निकाली है, रन स्कोर्ड है, फ्रीक्वेंसी एंड सीएफ निकाल कर आपने ये टेबल बनाई है तो उसके आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, हाफ मार्क्स मिल रहे हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद में आपने अब देखो हाँ ये वाला क्वेश्चन है फॉर्मूले वाला, टोटल फ्रीक्वेंसी ये आ गई आपकी 22 और आपने इस तरह से मीडियन क्लास निकाल के और मीडियन निकाला, मीडियन का फॉर्मूला लिखा एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सीएफ, ये वाला फॉर्मूला लिखा, इसके आपको कितने मिल रहे हैं, देखो मीडियन क्लास निकालने के आपको हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि यार क्या मार्किंग स्कीम है, आपने टेबल बनाई उसके हाफ मार्क्स, आपने मीडियन क्लास निकाली उसके हाफ मार्क्स, आपने फॉर्मूला लिखा उसके हाफ मार्क्स और आपने जो आंसर निकाला पुट करके उसके भी आपके हाफ मार्क्स। तो अगर आप आंसर नहीं लिख के आ रहे हो, आप अगर दो में से अगर आप आंसर नहीं लिख के आ रहे हो, दो नंबर का क्वेश्चन है तो हाफ 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 डेढ़ मार्क्स आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप आंसर लिख के आ रहे हो तो पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने आंसर छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलेगा आपको मार्क्स लेकिन जितना है उसका रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियों को आपको थोड़ा सा देखना है ना, और बिल्कुल पेशेंस से आपको थोड़ा सा पेपर को अच्छे से करना होगा। अब देखिए यहां पर जैसे फोर्थ क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस का है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो निकाल रखा है कैसे निकाल रखा है, कॉमन डिफरेंस दिया, अब देखो यहां पर भी देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के आपको एक मार्क्स दिया है, जैसे आपने कॉमन डिफरेंस निकाला 9 - 4 = 5, लो भैया एक नंबर पकड़ लो आप, ठीक है। उसके बाद में जो एपी बनाई है 5 देन न्यू एपी इज ये एपी बनाने के, फिर एक नंबर बन गया, बस इसमें फाइंड एपी करनी थी आपको, तो कॉमन डिफरेंस निकाला बस ये एक लाइन लिखी और आपको सीबीएसई ने एक नंबर दे दिया, बताओ कितनी गजब की बात है, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम को आप कह सकते हो कि यार सीबीएसई ने बहुत ही शानदार सी मार्किंग स्कीम बनाई है, स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है ये मार्किंग स्कीम, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, मोड जो है वो 38 है, द मॉडल क्लास इज, अगर मोड 38 है तो मॉडल क्लास लिखी है आपने, जैसे ऊपर वाले में मीडियन आपने निकाला था वैसे यहां पर मॉडर्न क्लास निकल गई, मॉडल क्लास निकालते ही आपको हाफ मार्क्स दे दिया सीबीएसई ने, देन उसके बाद में मोड का फॉर्मूला लिखते ही आपको हाफ मार्क्स और दे दिया। तो देखो फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे हो कि यार फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो आप आराम से हाफ हाफ मार्क्स निकाल सकते हो, हाफ हाफ एक एक मार्क्स, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जिनको मतलब थोड़ा सा मैथ्स वीक लगता है, तो आप अगर फॉर्मूलेज भी अगर याद कर लेते हो और अगर आप फॉर्मूलेज भी लिख के आते हो, उसमें पुट्टी तो करना होता है, सिंपल सी बात है, तो कहां खा आपने मैथ्स को टफ बना रखा है, कुछ भी टफ नहीं है। और जो इनकी मार्किंग स्कीम है ना, तो इससे तो देखना आपके जो मार्क्स होंगे उसकी तो बारिश होने वाली है, गारंटी के साथ में मैं कह सकता हूं कि जो इनकी मार्किंग स्कीम है इनको देखकर तो बारिश होने वाली है मार्क्स की 100%। अब यहां पर देखिए पुट करा उसमें मॉडल क्लास में, मॉडल का जो मोड का जो फॉर्मूला उसे पुट करा और 1/2 मार्क्स फिर से मिल गए, फिर देन उसके बाद में एक्स की वैल्यू आपने 50 निकाली, फिर 1/2 मार्क्स मिल गए, बताओ कितनी अच्छी मार्किंग स्कीम है। मतलब हर एक पार्ट का आपको नंबर दिया हुआ है यहां पर, ऐसा नहीं है कि आप अगर यार मेहनत कर रहे हो तो सीबीएसई ने आपकी मेहनत की कदर भी की है, आपको मेहनत का बिल्कुल मार्क्स मिलेगा अगर आप करके आ रहे हो। यहां पर देखिए फिगर बनाया, फिगर बनाते ही आपने ये लिखा हुआ टेंडेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ओ डी इज परपेंडिकुलर, देन ये आपको हाफ मार्क्स मिल गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फिगर बनाया तो सीबीएसई सोचेगा कि नहीं यार इनको मार्क्स नहीं दे, देखो आप फिगर बना रहे हो थोड़ा सा लिख रहे हो उसके भी हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको आते नहीं है तो आपको उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप इससे यही ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन आप जरूर देख लेना एक बार, मैं इसकी जो पीडीएफ है वो लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में रख दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और वहां पर इनको थोड़ा सा आप देखना, ऑब्जर्व करना कि यार किस तरीके से हमारे को लिखना है, ठीक है। ये लिखने के तरीके को भी आपको समझा रहा है, ठीक है। फॉर्मूलेज को हमारे को यूज करना है, यहां पर भी हमारा फॉर्मूलाज लिख लग रहा है, और ऑब्जर्व करना है इनकी मार्किंग स्कीम को किस तरीके से मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मार्किंग स्कीम भी देखना जरूरी है ना, सैंपल पेपर को देखना जरूरी है, सैंपल पेपर किस तरीके से बन रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो जिससे कि आप थोड़ा सा अच्छे मार्क्स गेन कर सको एग्जाम्स के अंदर, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।